और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रांची डीआरएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जनता कर्फ्यू को लेकर, भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। वो पूरी तरह से तैयार है, वो जैसे ही अगर हम लोग को कोई डिमांड आएगा और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको यूज करने के लिए तैयार है। महानगरों से, दिल्ली से हो या मुंबई से हो या साउथ की सिटी से जो ट्रेनें आ रही हैं, मुंबई से बड़ी तादाद में आज वहाँ से लोग झारखंड बिहार के लोग मूव कर रहे हैं, तो वो यहाँ आएंगे, महाराष्ट्र अभी मोस्ट इफेक्टेड स्टेट हो गया है, तो वो आएंगे तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रेलवे स्टेशन? नहीं, रेलवे उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट उसके साथ मिल के हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका अगर कुछ ऐसा नज़र आता है कोई यात्री या कुछ मान लीजिए जर्नी के दौरान कोई सूचना मिलती है तो हम लोग इमिडिएटली उस कंसर्न पर्सन को वहाँ से हटाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस कोच को पूरी तरह से सफाई करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। आज भी मूवी में हाँ वो तो हमारा सारा जो रेलवे का तंत्र है एकदम मतलब अभी सजग है, हमारा कंट्रोल है, एक भी न्यूज 24 घंटे इस पर काम हो रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलने से हम लोग तुरंत काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी बता रहे हैं और हम लोग रेलवे की तरफ से भी जो हम लोग प्रयास करना है कर रहे हैं। वो बेसिकली हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग रेलवे के साथ आके स्क्रीनिंग में कीज करें, रेलवे उसमें मदद करेगा। नहीं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन हमारे जो CMS है वो लगातार उनके साथ अपना कांटेक्ट बनाए हुए। अभी तक जो खबर है, जो ऐसा कि हम लोग को निर्देश मिला है, सारे पैसेंजर ट्रेन कल कैंसिल रहेंगे और आज रात 4 बजे से कल 22 बजे तक ऑलमोस्ट सारे मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो हमारे डिवीजन से ओरिजिनेट करते हैं वो कैंसिल रहेंगे, अभी तक यही सूचना है। इसके बाद जैसा रेलवे बोर्ड मंत्रालय से आदेश मिलेगा हम लोग उस तरह से काम करेंगे। थैंक यू।